सवाई माधोपुर से विश्वेंद्र रिंडायल की रिपोर्ट के अनुसार सवाई माधोपुर जिले के चौथा बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के एकड़ा गांव निवासी अधेड़ व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला गहराता जा रहा है। मामले को लेकर खंडार विधायक अशोक बैरवा रविवार को चौथा बरवाड़ा थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे दिलवाने की बात कही और मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक की चर्चा के बीच खंडार विधायक अशोक बैरवा पुलिस अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आए। उन्होंने पुलिस कस्टडी में अधेड़ की मौत पर सरकार की बदनामी का ठीकरा पुलिस प्रशासन के ऊपर फोड़ा और जल्द उच्च स्तर पर मामले में एक्शन लेने की बात कही। वहीं मुआवजे की बात पर पुलिस द्वारा नियमानुसार सहायता राशि दिलाने की बात पर जब विधायक अशोक बैरवा ने मुआवजे के प्रावधान की जानकारी चाही तो SDM सूरज सिंह नेगी और एडिशनल SP सुरेंद्र कुमार बघेल झांकने लगे और पुलिस अधिकारियों के बेतुके जवाब सुनकर भड़क गए और पुलिस अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और कलेक्टर SP को बुलाने की बात कहकर बैठक छोड़कर बाहर निकल गए, जिसके बाद विधायक अशोक बैरवा ने पंचायत समिति सभागार क्षेत्र के पंच एवं सरपंचों के साथ बैठक कर मामले पर चर्चा की। पुलिस अधिकारियों के बुलाने पर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी चौथ का बरवाड़ा पहुंचे, जहां एक बार फिर विधायक अशोक बैरवा के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान विधायक अशोक बैरवा ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे दिलाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने एवं PM आवास स्वीकृत मामले और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पर अमल करने के लिए निर्देश दिए। गौरतलब है कि शनिवार को एकड़ा गांव में दो भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर हुए आपसी झगड़े के बाद सूचना पर पहुंची चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस एकड़ा निवासी रामभजन को थाने ले आई थी, जहां पुलिस द्वारा की गई मारपीट में रामभजन मीना गंभीर घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने चौथ का बरवाड़ा थाने में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद जिला अस्पताल से चिकित्सकों ने रामभजन को जयपुर SMS अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर हरकत में आए पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने चौथ का बरवाड़ा थाने के समस्त स्टाफ लाइन हाजिर कर दिया और थानाधिकारी मुकेश कुमार सहित हेड कांस्टेबल व एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। वहीं मृतक का आज जयपुर के SMS अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों को शव लेकर गांव आए और तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्रशासन की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पुलिस कस्टडी में रामभजन की मौत के मामले को लेकर भरतपुर रेंज IG प्रसन्न कुमार खमेसरा भी सवाई माधोपुर पहुंचे, जो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से जानकारी लेंगे। देखिए, ये जो भजनलाल एकड़ा गांव वाली जो घटना है, तो इसमें चूंकि भजनलाल को यहां पुलिस थाने में लाए थे और यहां पर जैसा कि बताया गया है कि वो चक्कर आने से गिर गए थे और उनके सिर में चोट आई थी, तो जो पुलिस अधिकारी हैं उनको लेकर CSC गए और CSC में डॉक्टर को उनको दिखाया। डॉक्टर ने उनको सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी CT स्कैन हुई थी, लेकिन उधर से भी वहाँ SMS हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। तो जयपुर पहुँचते समय रास्ते में, या जयपुर पहुँचने पर उनकी कहीं रास्ते में डेथ हो गई। जयपुर में पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम वहाँ बोर्ड ने किया है, हमारे अधिकारी भी वहाँ थे। और इस मामले में जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं वो इंक्वायरी करते हैं 176 CRPC में। तो CJM साहब ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भवनवास है उनको नियुक्त किया था और वो पहुँच गए थे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में। उनके सम्मुख ही सारा पोस्टमार्टम हुआ है, उन्होंने इंक्वेस्ट भी किया है इसकी। बाकी इसमें जुडिशियल इंक्वायरी का मैटर है, तो जो भी होगी सच्चाई वो सामने आ जाएगी जुडिशियल इंक्वायरी में। पीड़ित परिजनों को क्या सहायता मिली सर? देखिए, अंत्येष्टि उनकी अभी हो गई है, चल रही है, और उनकी जो डिमांड थी उनमें विधवा पेंशन के लिए हमने मंजूर कर दिया है, वो स्वीकृति जारी कर दी है। हमारी सहानुभूति और संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में है। इसके अलावा उनकी पालनहार योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ लेने की एक मांग थी, उसको भी हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अगर उनके कच्चा मकान है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत कर देंगे। पालनहार योजना में आपको पता है कि जो बच्चे उनके एडल्ट नहीं हैं, अभी बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं,
उनके लिए वो योजना है, उसमें भी उनका फॉर्म भरवा दिया है, एक दो दिन में सेंक्शन कर देंगे। और मुख्यमंत्री जो सहायता कोष है उससे 5 लाख रुपये, हमारी मंशा यही है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। आज जयपुर में मृतक राम भजन भजन लाल का पोस्टमार्टम हुआ है और बोधी हमको मिल गई परिवारजनों को, और हमारी सबकी मांग परिवारजनों की तरफ से मिल रखी प्रशासन को, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभी संदेश कराया है कि परिवारजन को आर्थिक सहायता मिले और हमारे जो परिवारजन हैं उनके बच्चों को पालनहार की स्कीम का लाभ मिले, पेंशन मिले और पीएम आवास की मंजूरी मिले। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और उचित मुआवजा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय के विशेष निर्देश पर अभी राहत की घोषणा कर दी गई है और हम लोग सभी पीड़ित परिवार को संवेदना देने के लिए ग्राम में जा रहे हैं।